गांधीनगर की दुकान में लगी भीषण आग बुझा ली गई। आग बुझाने में लगा करीब 8 घंटे से ज्यादा वक्त। फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियां पहुंची थी मौके पर। बढ़ा डेंगू मलेरिया का खतरा, प्रशासन ने नहीं कराया दवा का छिड़काव या फॉगिंग। लोगों की कई शिकायतों के बावजूद नहीं चेता प्रशासन। केजरीवाल सरकार ने यूनिफॉर्म की राशि में की कटौती। एमसीडी छात्रों को 1100 की जगह दिए जा रहे 600 रुपए। निगम पार्षदों ने कहा ऐसा ही रहा तो छात्र यूनिफॉर्म से रह जाएंगे वंचित। एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार। चोरी की एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद। 40 से ज्यादा मामलों में रह चुके हैं शामिल। राधापुरी एक्सटेंशन में एक प्रॉपर्टी से कब्जा हटाया गया। आज असली मालिक को सौंपी गई प्रॉपर्टी। एसडीएम एसएचओ के साथ भारी पुलिस बल रहा मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास, मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके की मार्केट में एक प्लाईबोर्ड की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग इतनी ज्यादा थी कि फायर कर्मियों को आग बुझाने में करीब 8 घंटे से ज्यादा का समय लगा। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि प्लाईबोर्ड की दुकान में आग लगने की सूचना बुधवार सुबह 4:07 पर मिली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के बाद दुकान के आसपास धुआं ही धुआं नजर आया। आग लगने की घटना के बाद 4 बजे से थाने के पुलिसकर्मी बाहर रहे। धुआं होने की वजह से कोई पुलिसकर्मी थाने में नहीं जा पाया। आग जिस वजह से लगी इसका अभी पता नहीं चल सका है। बरसात का मौसम है, ऐसे में मच्छर और उनसे होने वाली कई बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर बात करें सरकार और प्रशासन द्वारा इनसे बचाव के उपायों की, तो कॉलोनियों में मच्छरों से बचाव के लिए अब तक दवा का छिड़काव या फॉगिंग नहीं की गई है, जबकि डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। इसे देखते हुए CCN की संवाददाता सोनिया शर्मा ने आनंद विहार इलाके के कई फ्लैट्स का जायज़ा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां दवाई का छिड़काव नहीं किया गया है, ना ही कोई फॉगिंग कराई गई है। इससे डेंगू के मरीज बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। बहुत बुरा हाल है, कोई सफाई नहीं है, कोई निकासी नहीं है, मच्छर बहुत हो रहे हैं। आने वाले टाइम में डेंगू प्रकोप पे चल रहा है इस टाइम। कभी नहीं हुई मैडम आज तक, आप खुद ही देख रहे हैं, खुद ही चेक कर लीजिए, बुरा हाल है। बरसात में पूरा पानी भरा पड़ा था, खतरा बना रहता, लगा लीजिए। ऐसी अगर हालत होती तो बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं? हर घर में कोई ना कोई बच्चा बीमार है और डेंगू सबसे बड़ा प्रकोप चल रहा है इस टाइम। हर हॉस्पिटल में आदमी आने वाले टाइम में भर्ती हो रही है, लगा लो। लोगों के नज़रिए में आएगी डीडे फ्लैट की हालत इतनी बुरी ख़राब है कि आने टाइम में डेंगू बहुत तेज़ प्रकोप पर चढ़ेगा। हाली में दवाइयाँ भी डाली और काफ़ी दिनों से साफ नहीं हुई इनारे। ये डीडी फ्लैट आनंद विहार, कोई नहीं आता है कहाँ, जब से एक भी बार तो आए नहीं है। इतनी नाली भरी थी, कितना पानी पूरे में सारे में पानी हो जाता है। यहाँ तक तो अंदर तक चला जाता है जब बारिश होता था। कोई इधर कहाँ, कोई आए नहीं है, कोई किसी ने दवाई नहीं डाली। पहले अगली साल आए थे, अब जब से कोई नहीं है। बरसात का मौसम है, ऐसे में बहुत मच्छर होते हैं। यहाँ पे नालियों का एकदम बहुत ज़्यादा भरा रहता है। थोड़ी भी बारिश होती है एकदम घर में आ जाते हैं पानी, और बिल्कुल साफ़ नहीं होता। पार्क में कहीं भी देख लो, हर जगह गंदगी ही गंदगी रहती है। हाँ जी, कंप्लेन करी, वो सुनते ही नहीं है, ना कोई नेता आते हैं, कोई नहीं देखता है। बस वोट के टाइम ही सब लोग आते हैं यहाँ पे। पहले भी कभी नहीं हुआ, ना इस बार हुआ है। बिल्कुल डर लगता है, बीमारियाँ इतना फैलेंगी, डेंगू फैलेंगे, काफ़ी लोगों को चिकनगुनिया होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई सफाई ही नहीं है। बार बार हमने कई बार बोला, लिख के दिया है कि नालियाँ हमारी दोबारा से इसका पानी का निकासी की जाए, तो पानी घरों में नीचे ज़मीनों में बैठ रहा, मकानों के लिए भी खतरा उससे। अब आज तो पानी भरने से मच्छर पैदा हो रहे, आज डेंगू का आज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है। हर जगह पर साफ सफाई हो रही है, मतलब इस तरीके से तो हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा। पीछे भी हमारे जो पिछले साल भी डेंगू के हर साल केस ऐसे आते हैं, क्योंकि मच्छर की वजह से हमारे यहाँ पानी की भरा हुआ है जब नालियों में, आपने देखा होगा आपके द्वारा। चलो तो हम तो बार बार मैसेज डलवाते हैं, आप भी हमेशा देखते हो आते हो यहाँ पर। किसी ने कौंसल नहीं, कौंसल आए थे पीछे भी मैंने लेटर भी लिख के दिए अभी, क्योंकि नाली वगैरह की जो साफ़ सफाई वगैरह, इनको नाली की पानी की निकासी का हमारा व्यवस्था करी जाए। काफ़ी सालों से हम लिख रहे हैं, इनसे पहले वाली जो पार्षद से भी लिखा था हमने,
तो मैंने किसी ने भी नाली को नहीं देखा, देख देख आए और चले गए। अभी पीछे बुलाए आए थे 4 दिन पहले। एमसीडी में आई आम आदमी पार्टी की सरकार ने टीचर्स और कर्मचारियों की सैलरी रोकने के बाद अब एमसीडी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए दिए जाने वाले 1100 रुपये में भी कटौती शुरू कर दी है। पहले ये राशि सभी बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए दी जाती थी, लेकिन अब इस राशि को घटाकर 600 रुपये कर दिया गया है और यह सबको न देकर सिर्फ लड़कियों और SC ST छात्रों को दी जा रही है। इस बारे में निगम पार्षदों का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो स्कूल के छात्र यूनिफॉर्म से वंचित रह जाएंगे। जो दिल्ली नगर निगम के 5वीं तक के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे, हर साल उन्हें 1100 रुपये उनके यूनिफॉर्म उनकी ड्रेस के लिए दिए जाते थे, क्योंकि आप समझते हैं कि इन बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, माताओं परिवार के पास पैसे नहीं है, तो यूनिफॉर्म के पैसे दिए जा रहे थे। 1100 रुपये हर साल मिलते थे, सर्दी की यूनिफॉर्म गर्मी की यूनिफॉर्म बनाई जाती थी। आज आप निगम के स्कूलों में जाओ, बच्चे स्मार्टली ड्रेस होते हैं, कलरफुल ड्रेस हैं, इनकी टाई लगाकर आई कार्ड लगाकर आते हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं दिखेगा। इन्होंने सभी जो लड़के हैं उनका यूनिफॉर्म अलाउंस 1100 रुपये से बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, उन्हें दिए ही नहीं है। SC ST वर्ग के जो लड़के हैं उन्हें 600 रुपये दिए हैं और लड़कियों के लिए भी 600 रुपये, मतलब कुछ वर्ग के लिए 600 कर दिया जो कि आधा कर दिया, और जो लड़के हैं उनके लिए इन्होंने 0 कर दिया। तो आने वाले समय में हम देखेंगे पेरेंट्स बोलेंगे भैया पैसे हैं नहीं तो हम यूनिफॉर्म खरीद के दे नहीं सकते। जो एक स्तर हमने निगमों का बनाया था, एक स्कूलों का बनाया था, उसे गिराने की कोशिश में दिल्ली में दिल्ली की शिक्षा मंत्री वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का वादा करती है, लेकिन जब सिक्के के दूसरे पहलू देखें तो दिल्ली नगर निगम के जो स्कूल हैं वहाँ पर वर्दी के लिए 1100 रुपया पर छात्र दिया जाता था, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उसकी राशि काट करके 600 रुपये कर दी, और वो भी SC और ST के बच्चों को दिया जा रहा है और दूसरे अन्य जो जाति के लोग बच्चे हैं उनको उससे वंचित रखा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि दिल्ली की मेयर क्या करना चाहती है। एक तरफ तो उनके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अब निगम के स्कूलों की कायाकल्प होगी, दूसरी तरफ उनको पाठ्य पुस्तकें नहीं दी जा रही हैं, उनको जो दूसरे सामान जो मुहैया कराने हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनों में जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था बिल्कुल तार तार उसको कर दिया गया है। जगह जगह प्रिंसिपल नहीं है, कई जगह स्कूल टीचर नहीं है, और भी कहीं जगह गार्ड नहीं है, स्वीपर नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान न करके और जो गरीब गुरबा लोग और जो झुग्गियर क्लस्टर के बच्चे जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं निगम के स्कूलों में, जिनका हमने सर ऊंचा उठाना था और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं तक एक बहुत बड़े मॉडल खड़े किए थे, उनको ध्वस्त करके पूरे एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त करके और इसका पूरा राजनीतिकरण कर दिया गया है। मैं दिल्ली के मेयर से आग्रह करूँगा तुरंत 1100 की राशि इन बच्चों को वर्दी के लिए मुहैया कराया जाए। फर्श बाजार थाना पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी से चोरी की एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद हुई। फर्श बाजार थाना पुलिस ने लोनी के रहने वाले 32 साल के अब्दुल सलीम की गिरफ्तारी से 2 मामले सुलझाने का दावा किया। फर्श बाजार थाना पुलिस ने ऑटो चोरी की धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने शाम करीब 7 बजे वाहन चेकिंग के दौरान अब्दुल सलीम को पकड़ा था जो कि चोरी की मोटरसाइकिल चला रहा था। मोटरसाइकिल भजनपुरा थाना इलाके से चोरी की पाई गई। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने करीब 2 साल पहले थाना फर्श बाजार इलाके से एक स्कूटी चोरी की थी। इसके बाद उसकी निशानदेही पर चोरी हुई स्कूटी बरामद कर ली गई। आरोपी इलाके में कुछ संभावित खरीदारों से मिलने आया था। वह पहले ऑटो चोरी, घर में चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के कई मामलों में शामिल रहा है। अब्दुल सलीम UP का कुख्यात अपराधी है। उसने बहुत कम उम्र से ही आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं। वह पहले ऑटो चोरी, घर में चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के 40 से ज़्यादा मामलों में शामिल रह चुका है। शाहदरा जिले के जगतपुरी थाने के तहत राधापुरी एक्सटेंशन में एक प्रॉपर्टी से कब्जा हटाया गया। पीड़ित ऑनर विनोद शर्मा के मुताबिक वह प्रॉपर्टी जो लगभग 509 गज के आसपास थी काफ़ी अरसे से उन्हीं की थी। करीब 2 साल पहले कुछ लोग वकील के लिबास में आए और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने प्रॉपर्टी पर बाउंड्री कराकर गेट लगाकर ताला लगा दिया। प्रॉपर्टी मालिक विनोद शर्मा के मुताबिक उन लोगों ने उन्हें मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑनर ने यह केस जगतपुरी थाने में दर्ज कराया और जगतपुरी थाने से SDM कोर्ट गए, जहां SDM ने इस केस की छानबीन की और उसके बाद आज भारी पुलिस बल की तैनाती में यह प्रॉपर्टी विनोद शर्मा को सौंप दी गई। इस दौरान SDM और थाना SHO के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पहले प्लॉट की सील तोड़ी गई, उसके बाद विनोद शर्मा को प्रॉपर्टी सौंप दी गई। ये 50 साल से हमारी प्रॉपर्टी थी, ये सारी कॉलोनी हमारी थी।
ये हमने खाली छोड़ा हुआ था, खाली था, उन्होंने कब्जा, कुछ लोग आए बदमाश टाइप वकील, उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, उनके बेच में आए, हमें नहीं पता कौन थे, जिनको जानते नहीं, फिर उनके बाद उन्होंने जो है यहाँ कब्जा करने की कोशिश की, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस ने आके रोक दिया, हमें धमकी दी उसने कि यहाँ पे आओगे तो हम तुम्हें मार देंगे, तो हम पुलिस के कंप्लेंट की, पुलिस ने हमें सपोर्ट किया और ये फिर उन्होंने ये सील कर दिया, सील कर दिया, उसके बाद ऑर्डर हो गया, SDM साहब ने दे दिया, ये जो है आपकी प्रॉपर्टी आपको दी जा रही है और आपको सील खोल के हमारे हाथ में ताला और चाबी दे दिया। इसका जो मेन रोड पे एक बीघे 9 बीघे एक्वायर हुई थी, जिसका कि हमें मुआवजा मिला था, अवार्ड पास हुआ था, ये सारी कॉलोनी 7 बीघे 8 बीघे की हमने काटी है 35 साल पहले, और ये प्लॉट भी उसी खसरे में 3 का 31/1 में आते हैं, उसी के तहत ये विनोद शर्मा जो है रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी के सपुत्र हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमने एक दीवार बना रखी थी पहले, ये पूरी दीवार बनी हुई थी, उस बनी हुई दीवार को तोड़ के 30-40 लोग 50 लोग आए थे, उस दीवार को तोड़ के उन्होंने अपना गेट लगाया और फिर अपना ताला लगा गया ये कह के कि ये हमारी ज़मीन है। ज़मीन उन्होंने वैसे तो वकीलों की वर्दी पहन रखी थी जी, हम नहीं जानते कौन थे कौन नहीं थे, कहे वो ये रहे थे कि हम वकील हैं, बाकी ये है कि आइडेंटिटी जिस आदमी के साथ हमने केस लड़ा है, जो अपनी मलकियत बताता है वो वकील नहीं है, ठीक है, परंतु जो उस दिन आए उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई हुई है, पहले वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी मौजूद है। दिल्ली में 16 और 17 अगस्त को होने वाले मानसून सत्र में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने काला बिल पास करके जनता के अधिकारों का जो हनन किया है उसकी सदन में चर्चा होगी, यह कहना है आम आदमी पार्टी के MLA रोहित कुमार मेहरौलिया का। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि BJP के कई वरिष्ठ नेता दशकों तक दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा तो छोड़िए, जो शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास थीं उन्हें भी छीनने का काम केंद्र सरकार ने किया है। चुनावों में देश की जनता ऐसे तानाशाहों को उखाड़ फेंकेगी। वहीं BJP के MLA OP शर्मा का कहना है कि सदन की बैठक में आम आदमी पार्टी के नेताओं का जनहित के कामों को छोड़कर केंद्र सरकार को गाली देना, दुष्प्रचार करने की उसकी परंपरा और इतिहास रहा है, उसी को दोहराने का यह सत्र लगता है, जबकि लोकहित के मामलों पर चर्चा कराई जानी चाहिए। कि मानसून सत्र है और ये स्टैट्यूटरी एक रिक्वायरमेंट है, इसलिए सदन बुलाया गया। ये बात अलग है कि सदन में जनहित के कार्य को छोड़कर केंद्र सरकार को गाली देना और जो भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में जो हो रहा है और उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं, इनके दो दो मंत्री जेल चले गए हैं, अनेकों अनेक केस चल रहे हैं, इनके सी स्मेल का केस चल रहा है, शराब का सबके सामने है, स्कूलों का है, वाटर सप्लाई में है, बसों का है, केंद्र सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार करने का जो उनका एक परंपरा और हिस्ट्री रही है उसी को दोहराने का ये सत्र मुझे लगता है। जो उनके राजनीतिक जो एजेंडा है केवल उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। हम आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं केजरीवाल सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि लोकहित के मामलों पर बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके ऊपर चर्चा कराई जानी चाहिए। आगामी 16 और 17 तारीख को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का जो हनन किया है एक काला बिल पास करके, ये पूरे देश ने देखा है और निश्चित तौर पर उसके ऊपर चर्चा होगी, गंभीर चर्चा होगी। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता कई दशकों तक दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने की मांग करते रहे हैं, चाहे बात करें मदनलाल खुराना जी की, सुषमा स्वराज जी की, इनके वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी की, साहिब सिंह वर्मा जी की, ये तमाम वो नेता हैं कि जो लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग करते रहे। अपने मैनिफेस्टो में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि भाई दिल्ली को हम पूर्ण राज्य बनाएंगे, यहाँ तक कि माननीय मोदी जी ने भी 2014 के अंदर ही कहा था कि हमें अब जिताइए, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन बड़े ही शर्मनाक बात है कि पूर्ण राज्य का दर्जा तो छोड़िए, जो शक्तियाँ एक चुनी हुई सरकार के पास में मौजूद थी उनको भी छीनने का काम केंद्र सरकार ने किया है। टमाटर के दामों में हर रोज बदलाव हो रहा है, कभी कम तो कभी ज्यादा।
फिलहाल टमाटर के दामों में कमी देखी जा रही है। इसके बावजूद टमाटर के दाम इतने भी कम नहीं हुए कि आम लोग रोज़मर्रा में बेपरवाही से उनका इस्तेमाल कर सकें। आम लोगों की पहुंच से टमाटर अब भी बाहर है। टमाटर रिटेल में 160 रुपये किलो मिल रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि दाम कम हुए हैं, लेकिन इतने कम नहीं कि हम पहले की तरह बेपरवाही से हर डिश में इसका इस्तेमाल कर सकें। सोच समझकर टमाटर यूज़ करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ दुकानदार मानते हैं कि दाम कम तो हो रहे हैं, लेकिन सस्ता टमाटर मिलने में अभी समय लगेगा। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से ग्राहक कम ही आ रहे हैं। बहुत से ग्राहक तो दाम पूछकर ही चले जाते हैं। मार्केट सारी 3,000 रुपये की पेटी, 24 किलो होता है, कम लेते हैं, आधा किलो 250 ग्राम यही चल रहा है। धीरे धीरे हो जाएगा, तो कम से कम 1-2 महीने लग जाएगा, जब तक नई फसल नहीं आएगी। यहाँ किलो वाले आधा किलो लेते हैं, आधा किलो वाले पाव लेते हैं। नींबूओं से काम चला रहे हैं लोग, बार सब्जी में डाल के नींबू खा रहे हैं टमाटर की जगह। इसमें बहुत नुकसान है, पब्लिक कम खरीद रही है, हम खुद कम ला रहे हैं माल के लिए। महंगाई की वजह से प्याज बढ़ रहा है रेट, इस पर बढ़िया प्याज एक नंबर की 40 रुपए किलो, पहले थी 20 रुपए किलो, 20-25 रुपए किलो बढ़िया प्याज, अब बढ़ने वाले हैं प्याज के रेट। अब क्या पता जी क्या वजह है, ये तो हमें नहीं पता है। प्याज के रेट हैं 100 रुपये जाके 50-60 रुपए के, वजह नासिक का प्याज मारा गया इसलिए वजह लग रही है, लालवाड़ी नहीं आ रही है, यूपी की प्याज चल रही है जी। टमाटर हो जाएगा 100 रुपए पॉइंट, 200 रुपए किलो हो रहे थे परसों, कल लाए 180 रुपए, अभी तो हुआ नहीं, अब पता नहीं कब होएगा। दिक्कत बहुत हो रही है, सब्जी में टमाटर गिरता है, बिना टमाटर स्वाद नहीं आता, खटाई गिर लो तो खटाई का ही स्वाद आता है, और बहुत परेशानी है आम आदमियों को। अब ज़्यादा मजबूरी होती है तो लेना पड़ता है, बाजी बाजी सब्जी राजमा छोले ये नहीं बनती बिना टमाटर, तो लेना पड़ता है, क्या करें। 10 रुपये का ले लेते हैं, 2 टमाटर आते हैं, 1 टमाटर आएगा, अब क्या करें, बच्चे तो पाल लें। क्या सरकार इसी तरह महंगाई करती रहेगी? पहले मतलब कम ज़्यादा सस्ता खरीदा है, 20 रुपये तक भी खरीदा है, 200 भी लिया है, जब जरूरत के हिसाब से, आज 160 है तो वो भी ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कम हो गया है, गलियों में तो लेकर भी नहीं आ रहे हैं, ये तो बाहर चौराहों पे मिल भी रहा है। हाँ पहले से तो सस्ता हुआ है मैम, 250 भी था। 15 अगस्त आने से पहले ही पतंगबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन चाइनीज मांझे की वजह से हुई कई दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री पर नजर रखने के साथ ही इसमें लिप्त लोगों पर कार्रवाई कर रही है। पूर्वी दिल्ली में इसे लेकर काफी दिनों से पुलिस की कार्रवाई चल रही है। इस बारे में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने शहादरा डिस्ट्रिक्ट के DCP रोहित मीणा से बात की। इस बारे में उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी चाइनीज मांझा नहीं बिक रहा, इसको लेकर मैं खुद भी जगह जगह पेट्रोलिंग कर रहा हूं और तमाम स्टाफ को भी पेट्रोलिंग करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि चाइनीज मांझा चांद मोहल्ले में सबसे ज्यादा बिकता है, ऐसे में इस बार पुलिस सबसे ज्यादा चांद मोहल्ले पर नजर रखे हुए है। चाइनीज मांझे को देखते हुए हमने मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी ली है। सबसे पहले हमने जो मांझा जो यूज करते हैं यूजर्स, उनको हमने जो अमूमन जो बच्चे होते हैं, जो बड़े हैं, जो पतंग उड़ाते हैं, उनके हम चेकिंग कर रहे हैं कि वो कहीं चाइनीज़ मांझा तो यूज़ नहीं कर रहे। इसी को चेकिंग को मद्देनज़र देखते हुए हमने कई केसेस भी डिटेक्ट किए हैं, जब हमने कृष्णानगर, गांधीनगर, शाहदरा और कई जगह हमने मांझे की रिकवरी करी है। 40-40, 50-50 चरखे रिकवर किए हैं और उन पर हमने स्ट्रिक्ट जो एक्शन है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और साथ ही साथ IPC में और हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है कानून के तहत। हम साथ ही साथ हम जो PA सिस्टम्स के थ्रू है, जो हमारे दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू है और जो हमारी जो ग्राउंड पेट्रोलिंग है उसमें पब्लिक अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं और कि कोई भी इस तरीके का मांझा यूज़ नहीं करें। हम पब्लिक से भी हमने, मैं आपके माध्यम से और जो अभी मीटिंग हुई थी वहाँ पर मैंने अपील करी थी कि अपने बच्चों को समझाएँ कि चाइनीज़ मांझा किसी के लिए भी डेंजरस हो सकता है। पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने 2 सक्रिय स्नैचर और मोबाइल फोन रिसीवर को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 मोबाइल फोन बरामद किए। DCP अमृता गुगलोत ने बताया कि आरोपी की पहचान 23 साल के सूरज शर्मा और 27 साल के रवि शिशोदिया उर्फ हड्डी के रूप में हुई है। DCP ने बताया कि स्पेशल स्टाफ हेड कांस्टेबल कपिल नागर को सूचना मिली थी कि युवक चोरी के मोबाइल फोन बदलने के लिए कल्याणपुरी नाला रोड के पास आने वाले हैं। स्पेशल स्टाफ के ACP KP मलिक की देखरेख में इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने कल्याणपुरी नाला रोड के पास से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी के 7 मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि आरोपी सूरज शर्मा स्कूल ड्रॉप आउट है और वह नशे का आदी है
और रवि सिसोदिया ने 10वीं तक पढ़ाई की थी। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे न होने की वजह से उसने एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने 2 कुख्यात सक्रिय लुटेरे और स्नैचर को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। DCP अमृता गुगलोथ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 28 साल के मोहन और 27 साल के सागर के रूप में हुई है। DCP ने बताया कि पूर्वी जिले में स्नैचिंग के मामले बढ़ रहे हैं, जिनमें राहगीरों के मोबाइल फोन को निशाना बनाया जाता है। इसे देखते हुए स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ACP KP मलिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने घटनास्थल के CCTV से प्राप्त जानकारी के आधार पर 2 आरोपियों सागर और मोहन की पहचान की। टीम ने कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों को संजय झील के पास से गिरफ्तार कर लिया। थाना पांडवनगर में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी मोहन एक निजी कंपनी में काम करता है। उसकी अब तक कोई पिछली आपराधिक संलिप्तता नहीं मिली है, जबकि दूसरा आरोपी सागर अपराधी है और नशे का आदि है। वह कल्याणपुरी, पांडवनगर और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर 6 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर पिछले कई महीनों से स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी हैं। इस वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही अंधेरे की आड़ में यहां चोरी और झपटमारी भी हो रही है। लोगों का कहना है कि यहां कई बार हादसे हो चुके हैं। शाम को जैसे ही यहां अंधेरा होता है, आपराधिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 5 महीने से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है और यहाँ लूटपाट की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। शाम होते ही बहुत अंधेरा छा जाता है। ललिता पार्क में सारी लाइटें खराब पड़ी हैं, जिससे अंधेरा रहता है और शाम को तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि यहाँ पर गांजे वाले, नशेड़ी, शराब सब आन के पीते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से हमारी ये प्रार्थना सुनी जाए, जिससे कि ये लोग बाग इतना अंधेरा होता है, ये समस्या हमारी दूर हो जाए। 5 महीने से सारी की लाइट बंद है और यहाँ पे लूटपाट हो रही है, छीनाजप्ती हो रही है। कोई सुनता नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कंप्लेंट दी हुई है और फिर भी यहाँ पे बुरा हाल है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली AATS टीम और जाफराबाद थाना पुलिस ने जुए में शामिल 10 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों से 8 सेट प्लेइंग कार्ड, 1,12,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। दिल्ली जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जाफराबाद थाना पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें कि पुलिस को जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी, जिस पर संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी जाफराबाद, ब्रह्मपुरी, गोंडा और मौजपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों की पहचान मोहम्मद शाहिद, मुजफ्फर अली, जाकिर, इरफान खान, फकरुल जमा, नज़ाकत अली, शहबाजुद्दीन, मोहम्मद साबिर, इमरान अली और नदीम के रूप में हुई है। मामले में आगे की जांच जारी है। कृष्णानगर हनुमान चौक पर मंगलवार शाम हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में यूथ से लेकर निगम पार्षद, स्थानीय नेता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हनुमान चालीसा का पाठ बड़े ही भक्तिभाव से जयकारों के साथ किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।